गुड मॉर्निंग क्लास क्लास फोर एंड वी आर डूइंग हेयर द एक्सरसाइज 4.2 जिसमें आप फर्स्ट सम कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे सेकेंड एंड थर्ड सम। ठीक है, सेकेंड सम में क्या कह रहा है, ग्रुप द नंबर्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट। ग्रुप द नंबर्स मतलब किन्हीं दो को ग्रुप बनाइए, मतलब मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और फिर इस तरीके से हमें क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए मैं आपको कुछ करके दिखाती हूँ एक आध सम, फिर आगे आप खुद करना। ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है 40 × 5 × 2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है जिसका प्रोडक्ट क्या आ जाता है 10। हमें पता है 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारा प्रोडक्ट 10 आ रहा है, तो अब 40 और 10 को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 × 0 0 0 × 4 0 1 × 0 0 4 × 1 4। अब देखिए ये 0 ये 0 और ये 4। इसी तरह अगर हम इनको ग्रुप करके नंबर को प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आ जाता है 400। ठीक है, इसी तरह आप देखिए बुक में बी पार्ट दे रखा है 56 × 2 × 50। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है 2 और 50 को मल्टीप्लाई। 2 और 50 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 × 2 हमें पता है 10 होता है और 0 ये हो गया तो 100 हो गया। अब 100 को 56 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने कर रखे हैं 56 × 2 × 50, 2 और 50 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आता है। अब 100 को हमें 56 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देख सकते हैं आप 100 × 56, जैसे हमने पहले 6 से 100 को मल्टीप्लाई किया तो 600। ऐसे करके आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, फिर आप ऐड कर देना तो वो कितना बन जाता है 5600। ओके, ऐसे ही आपको सी पार्ट करना है और ऐसे ही डी पार्ट करना है। सी पार्ट में आप 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पहले, और डी पार्ट में आप 25 × 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ताकि आपके लिए मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। अब थर्ड सम है, थर्ड सम में देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। रिमेंबर दैट द पोजिशन ऑफ मल्टीप्लीकेंड एंड मल्टीप्लायर कैन बी चेंज्ड। हमें कहा गया है कि हमें प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों में मल्टीप्लाई करके, एंड रिमेंबर दैट द पोजिशन ऑफ मल्टीप्लीकेंड मतलब जिसको मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर को हमें, एंड मल्टीप्लायर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो एक्सचेंज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब उनको बदला जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है। अब जैसे इन्होंने फर्स्ट सम बोला है 58 × 369 को मल्टीप्लाई कीजिए और इसका प्रोडक्ट बताइए। हमें क्या करना है 58 × 369 यानी कि 369 को मल्टीप्लाई करना है। इन्होंने बोला है, हमें पता है कि जो पहले आता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो बाद में आता है उसको नीचे लिख देते हैं, लेकिन हम इनको चेंज कर सकते हैं, हम हमारी सहूलियत के हिसाब से, हमारा जहाँ कंफर्ट लेवल है हम उसके हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 369 × 58 इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप ऐसे लिख के इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 21,402। अब देखिए 78 × 215 हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है 78 × 215, इसमें क्या करना है, हमें करना है कि हम इनको या तो ऐसे लिख लें, ठीक है, यानी कि 78 को ऊपर लिख लें और 215 को नीचे लिख लें, ठीक है, इससे भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन आपके लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करेंगे, 215 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम 215 और 78 को ऐसे लिख सकते हैं। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 8 × 5 = 40, 4 ऊपर गया, 8 × 1 = 4, 8 × 1 + 4, 8 × 4 = 12, 1 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ पे आ गया, 8 × 2 = 16, 16 × 1 = 17, ठीक है। अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 5 कितना होता है 35, ठीक है, 7 × 1 = 7 + 3 कितना हो गया 10, 10 1 ऊपर गया 0 यहाँ रह गई, 7 × 2 = 14, 14 + 1 = 15,
अब देखिए इनको ऐड करते हैं, 0, 2 और 5, 7, 7 और 0, 7, 5 और 1, 6 and this is 1, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया 16,770। इसी तरह 47 × 698 यानी कि 698 को मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, 698 × 47 ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है। आप बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करोगे, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है लेकिन आप इसे प्रॉपरली इस वे में करेंगे ताकि आप भूले ना। ओके, लास्ट पार्ट आता है डी पार्ट, जिसमें हमें बोला है कि 34 × 201 इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 201 यानी कि 201 × 34 भी कर सकते हैं। तो 201 × 34 आप ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 6,834। ओके क्लास, ये आज का आपका होमवर्क है, अच्छे से कीजिएगा। मैंने बहुत गुजड़ पुचड़ किया हुआ है लेकिन आप बहुत साफ साफ करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।